चले, खुश आमदीद है आप सबका जेके न्यूज पॉइंट में। डीडीसी गांदरबल की जानिब से आज ऐसा वाका पेश के आया है जो नहीं आना चाहिए था, जो सियासतदान को शोभा नहीं देता है। फाइनल मैच के दौरान अपनी आम आदमी पार्टी के नौजवान लीडर जिब्रान डार को कैसे बेरहमी से एक सियासतदान ने थप्पड़ मार दिया है, क्या पैगाम लोगों तक पहुंचाया है वो खुद जानता होगा। लेकिन मेरे साथ जिब्रान डार इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए। जिब्रान डार के जज्बात जो है वो बहुत ज्यादा मजरूह हो चुके हैं। जिब्रान डार के अहलखाना यकीनी तौर पर परेशान हो गए क्योंकि ऐसी हरकत एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने की है। अफसोस से कहना पड़ता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने ऐसी हरकत की है जिससे काफी सारे लोगों के जज्बात मजरूह हो चुके हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ था, क्यों डीडीसी गांदरबल ने जिब्रान डार पर हाथ उठाया है, क्यों उन्होंने इसको थप्पड़ मार दिया है। जिब्रान साहब, जो ये वाका पेश आया है काबिले मजम्मत है, काफी सारे सियासतदानों ने इसकी मजम्मत की है, आपके साथ गांदरबल के नौजवान है उन्होंने भी मीडिया का सहारा लिया है और आपसे हमदर्दी जताई है, बताएगा क्या मामला पेश आया वहां पे। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे लाइव लिया। मामला कोई बड़ा नहीं था, मैं इनवाइटेड गेस्ट था और मैं एक प्रोटेक्टेड पर्सन हूँ और पीसीआर श्रीनगर ने सिग्नल भी दिया था पीसीआर गांदरबल को और गांदरबल वालों ने उसके बाद थाने को, लोकल थाने को, और मेरे पास पूरा प्रोटोकॉल था, एसएचओ खड़ा था, उसके साथ साथ चार पांच पीएसओ भी खड़े थे और थाने की गाड़ी भी खड़ी थी। मैं वहां बैठा था और यूथ से बात कर रहा था और उनको यही समझा रहा था कि ड्रग नहीं करना है, ड्रगिस्ट की इंफॉर्मेशन पुलिस को देनी है और अगर आपको गोल पोस्ट नहीं है मैं गोल पोस्ट बनवा दूंगा, बाथरूम नहीं है, पानी की फैसिलिटी नहीं है तो मैं डीसी साहब से बात करके आपको ये सब चीजें दिलवा दूंगा और आने वाले वक्त में मैं मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहा हूँ और अगर आपको लगता है कि मैं आपका काम करता हूँ, मैं आपका भाई हूँ तो आप वोट जरूर कीजिएगा, बिकॉज आप बालिंग लोग हो, आप 22 साल 23 साल 24 साल लड़के हो और जो छोटे बच्चे हैं अगर उनको लगता है कि मैं उनका बड़ा भाई जैसे काम करता हूँ, वो भी अपने माँ बाप को रिक्वेस्ट करे कि हमें अपने भाइयों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि सियासत में एक नई जनरेशन का लीडर आगे आ जाए। और यही बात मैं कर रहा था तो इसी बीचों बीच एक बंदा नमूदार होता है अपनी सिक्योरिटी के साथ, तीन चार 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 पीएसओ और सरकारी गाड़ी के साथ, और ये बंदा आता है तो इस बंदे को मैं जानता नहीं हूँ बिकॉज मुझे इस बंदे की कोई नॉलेज नहीं थी, ये किस पार्टी से है क्या है मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। और जो ही मैं बैठा हूं तो अब वहां पे एसएचओ साहब भी आते हैं, वो भी इनको सलाम वलाम करते हैं तो मुझे तो पहले लगता है ये थाने से ही कोई बंदा है, तो मैंने भी सलाम की तो, और कैमराज बाकी ऑन ही थे क्योंकि ये भी आया हुआ था वहां पे और इसके साथ सिक्योरिटी भी थी, तो मैं बच्चों को यही कह रहा था उस टाइम पे भी कि अगर आपको लगता है कोई गांव में ड्रग करता है या कोई ड्रग पेडलर है तो आप अपनी नजदीकी थाने में रिपोर्ट कीजिए या किसी एसएचओ को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए ताकि वो ड्रगिस्ट को पकड़े और ड्रग आगे ना फैले, ठीक है ना। ये आया, तुम यहाँ क्या, तुम यहाँ वोट मांगने क्यों आए हो आप मुझे बताइए, मैं सब्जी वाला थोड़ी हूं, मैं कोई मटर चने थोड़ी बेच रहा हूं, मैं तो सियासत पे हूं ना, वोट ही तो मांगूंगा। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आपको बोलता हूं जनाब, अगर आप अपने इलाके में रहते, अगर आपके इलाके में कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बुलाइए, मैं आपकी प्रॉब्लम हल करूंगा, और अगर मैं हल करूंगा तो मैं आपको बोलता हूं कि आने वाले वक्त में मेंबर पार्लियामेंट के हिसाब से मुझे वोट कीजिएगा, तो बताइए क्या वोट मांगना गुनाह है। नहीं, मैं आज आपको बोलता हूं, मैं तो कहता हूं मैं एसपी हो डीएसपी हो, मैं किसी को भी वोट मांगने के लिए मांग सकता हूं, मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं बट आई एम गोइंग टू बी द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मेरे भी एस्पिरेशन है मैं अपने लोगों की खिदमत करूं। तो जब ये डीडीसी मेंबर गांव गांव घूमा था 50 वोटों के लिए या 100 वोटों के लिए, तो क्या ये वोट मांगने नहीं लोगों से गया था? बेशक। क्या मैं इसके बीच में आया कि तुम वोट क्यों मांग रहे हो? कल को ये छानपुरा वोट मांगने आएगा तो मैं क्यों रोकूं इसको? अगर इसके पास पुलिस की परमिशन है ये आए, मैं एक प्रोटेक्टेड पर्सन हूं, बट जब इसने थप्पड़ मारा, मैं 32 साल नौजवान हूं, मेरे हाथ से भी दो थप्पड़ निकल सकते थे, मेरे मुंह से भी गाली गलौज निकल सकती थी, लेकिन फिर अनपढ़ और पढ़े लिखे में क्या फर्क रहा? मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, मैंने वहां लोगों को भी बोला कि आप भी शांत रहो, आप भी कुछ मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा मामला रिकॉर्डेड है, सारा मामला ऑनलाइन है,
तो ये तो आपको सोचना है, ये थप्पड़ जनाब मुझ पे नहीं है, ये थप्पड़ आप पे है। जबरान साहब, अब जो है डीडीसी गांधरबल कह रहा है कि ये मुझे हमला करने आया था, और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि एजेंसीज को देखना चाहिए जबरान डार क्या फैला रहा है नौजवानों में। इस हवाले से आपकी रिएक्शन क्या है, किस तरफ वो इशारा कर रहे? पहली बात है, इस इंसिडेंट का गवाह खुद कानून है, बेशक पुलिस है वहां पे, यानी कि एसएचओ, उसके साथ एस्कॉर्ट करने वाले 5 लोग, मेरा पीएसओ, मैं खुद, वहां की आवाम, और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे पूरा वीडियो रिकॉर्डेड है। तो अब ना तो एडिट है इसमें कुछ, ना तो कट है इसमें, ये पूरी खुली किताब है। वीडियो मैंने अपने सोशल मीडिया पे नहीं डाला है, मीडिया के पास है, और मिस इंटरप्ट किया क्योंकि मुझे नहीं पता था ये कहां से है। इसके बंदे जो साथ थे या कोई भी था, जो पार्टी वर्कर था, क्या था मुझे अंदाजा नहीं है, उन्होंने ये बात फैलाई कि एनसी का है। लेकिन एनसी के सियासतदान इसको मजम्मत करते हैं। जी जी, मैं थैंकफुल हूं उन लोगों का, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जो भी पार्टीज हो, जो इस चीज को कंडम कर रहे हैं, मैं उनका थैंकफुल हूं जिस तरह से वो मजम्मत कर रहे हैं। देखिए, सियासत अलग जगह है, कश्मीरियत अलग जगह है, उन्होंने आज कश्मीरियत दिखाई, सियासत नहीं दिखाई, लेकिन इन लोगों ने सियासत की, इन लोगों ने उनके नाम पे भी सियासत की। ये एक्स मेंबर वहां का था, मैं एनसी के वर्कर्स को, स्पोक्स पर्सन सारा जी हो या एनसी के जो भी वर्कर्स है, जिन लोगों ने आज इस चीज को कंडम किया, क्योंकि ये अटैक मुझ पे नहीं है, ये अटैक नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ पे है, ये अटैक पीडीपी के यूथ पे है, ये अटैक बीजेपी के यूथ पे है, ये अटैक उन यूथ पे है जो एस्पायर करते हैं कि हमें पॉलिटिशियन बनना है। क्या मैंने गुनाह किया मुझे मेंबर पार्लियामेंट बनना है? क्या मैंने गुनाह किया मुझे एमएलए बनना है? क्या मैंने गुनाह किया मुझे डीडीसी बनना है? ये कौन सा गुनाह है? मैं आज आपको बोलता हूं सर, अगर आपको लगता है कि आपको भी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में दायरे के अंदर आपको इलेक्शन लड़ना पड़े, आपको लड़ना चाहिए। अगर आवाम की खिदमत करने के लिए आपको बड़े पैमाने पर इलेक्शन लड़ना पड़े, मैं ऑफर करता हूं आपको, आप आइए और लड़िए इलेक्शन। तो जबरान साहब, आपसे और मिस इंटरप्ट किया गया कि बोला गया ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ही प्लेड पॉलिटिक्स। जबरान साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि आपने उस वक्त भी जो वहां पे मुतलका पुलिस स्टेशन के एसएचओ है उनको बताया कि इसको बुक कीजिए, इसके खिलाफ एक्शन कीजिए, तो क्या मजीद अभी भी? मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं कश्मीर के तमाम बड़े बड़े लीडरों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके और मेरे बीच में एक सियासी लड़ाई हो सकती है, आपके और मेरे बीच में वोट पॉलिटिक्स हो सकती है, आपके और मेरे बीच में काम और कारोबार की पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन आपके और मेरे बीच में कश्मीरियत का रिश्ता है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने कल एक खबर सुनी, वहीद परा साहब के फादर गुजर गए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि मुझे वहां जाना चाहिए था और कंडम करना, मतलब ये चीज देखना चाहिए था कि वहीद परा साहब के फादर गुजरे, मुझे ताजियत करना चाहिए था, बट मैं कहीं बिजी था, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मेरा फोन स्विच ऑफ था, मुझे रात को ही पता चल गया, और मैंने सोचा था गांधरबल का दौरा खत्म करने के बाद मैं वहीद परा साहब के घर जाऊं। इवन मैं जब भी महबूबा जी कोई अच्छा काम करती है, मैं उनकी बेटी हो या उनके पार्टी वर्कर हो, उनको मैसेज करके बोलता हूं कि आज आप लोगों ने अच्छा काम किया। अरे ये तंज चलता रहता है, को एप्रिशिएशन चलता रहता है, लेकिन आप किसी पे थप्पड़ मारेंगे, वो भी 3-3 पीएसओ लेके, मैं भी एक प्रोटेक्टेड पर्सन हूं, आप बताइए, इस बंदे ने मुझे धमकी दी कि मैं आपके घर आ जाऊंगा, और इसका रिकॉर्ड चेक कीजिए, इसका बैकग्राउंड गलत है, कौन देगा मेरे घर को प्रोटेक्शन? मैं आज आईजी कश्मीर से डीआईजी आरआर स्वैन साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दोज गूंस, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दोज ठग्स। आप बताइए, मैं इलेक्शन में लड़ रहा हूं, कौन सा गुनाह किया मैंने भाई? जबरान साहब, आपके हौसले बुलंद है, हम देख रहे हैं कि मरकजी शहर श्रीनगर की बात करें या गांधरबल की बात करें, वहां पे आपके चाहने वाले हैं और आप भी उनको मदद करने जाते हैं बार बार, क्या इस वाके से आपके हौसलों में थोड़ी सी कमी आएगी? मेरे हौसलों में कोई कमी नहीं आएगी, जबरान डार अपनी कौम के लिए
पड़खाने के लिए तैयार है, जबरान डार अपनी कौम के लिए गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन जबरान डार सियासत नहीं छोड़ेगा, जबरान डार सियासी जंग लड़ेगा और जबरान डार मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़के और जीत के दिखाएगा। ये जीत जम्मू कश्मीर की पब्लिक की होगी, ये जीत जम्मू कश्मीर के यूथ की होगी। हमारी सियासी लड़ाई हो सकती है पार्टियों से, लेकिन वो मेरे पर्सनल चीजों पर अटैक नहीं कर सकते, वो आके मेरे घर पर अटैक नहीं कर सकते, वो आके मेरे ऊपर थप्पड़ नहीं मार सकते। आप अल्फाजों में बोलिए जो बोलना है, वो मैं डिफेमेशन शूट कर लूंगा आपके लिए, लेकिन आप मेरे ऊपर थप्पड़ नहीं मार सकते। आप देखिए मेरे मुंह से एक भी अल्फाज नहीं निकला है। शाहरुख तेलावाला, आज मुझे हजारों में फोन आ रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर से, रामबन से, जम्मू से, दिल्ली से, हर जगह से मुझे फोन आ रहे हैं कि जबरान भाई हम आपके साथ है, बोलो करना क्या है। अरे करना कुछ नहीं है, स्टे काम, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। मैं जम्मू कश्मीर की पब्लिक को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हाथ दो जोड़ के कि आप शांति बनाए रखिए। मुझे पता है आपके जज्बात, आपके भाई पे थप्पड़ पड़ा है, आपके लगते जिगर पे थप्पड़ पड़ा है, लेकिन हमें ये जंग जीतनी है, हमें अभी जंग लड़नी है, हमें सियासी जंग है इन लोगों के साथ, और हमें इनको शिकस्त देनी है आने वाले इलेक्शन में। हम लड़ेंगे, जबरान डर पीछे नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी हो। आप मुझे सप्रेस करो, आप मुझे बिठाओ, आप मुझे कहीं भी भेजो, जबरान डार सियासी लड़ाई नहीं छोड़ेगा। जबरान साहब, आखिर पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या रहेगा मुतलका पुलिस स्टेशन के SHO को पैगाम DDC गांधरबल के हवाले से? जनाब वो जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे, चार्जशीट पेश करे, बुक करे, इंक्वायरी करे। पंचनामे में मैंने अपना चश्मा भी दिया है जो उसने तोड़ा, और मेडिकल रिपोर्ट भी मेरे पास ऑलरेडी है JVC हॉस्पिटल की, सरकारी हॉस्पिटल की, जिसमें है इंजुरी इन आई। कौन जिम्मेदार रहेगा इस चीज का? आज मेरे घर पे ऐसा माहौल है, कौन इस चीज का जिम्मेदार रहेगा? मेरा घर सिक्योर नहीं है। मैं आवाम की खिदमत करने के लिए बाहर जाऊंगा, मेरी मां को कौन प्रोटेक्शन देगा? जबरान साहब, आप अपना और अपने सेहत का ख्याल रखिए, कभी आपसे तफसीलन बातचीत करेंगे। और मैं तो देखो, मैं आपको एक बात बोलूं, जाते जाते भी मैं आपसे वोट मांगूंगा। अगर आपको लगता है मेरा काम अच्छा है, आपको वोट करना पड़ेगा। अगर आप वोट नहीं करोगे तो आप हिंदुस्तान के आईन को नहीं मानते हैं। वो आपकी मर्जी, आप नोटा करें, आप मुझे वोट करें या किसी और को वोट करें, लेकिन आपको वोट करना पड़ेगा। दिस इज अ डेमोक्रेटिक राइट। बेशक आपको हक है, आप कहीं भी जा सकते हैं और लोगों को जो है अपनी जानिब रागिब कर सकते हैं, अपने काम के हवाले से रागिब कर सकते हैं, तो आपको डेमोक्रेटिक राइट है। DDC गांधरबल ने जो हरकत की है, बहुत सारे कह रहे हैं कि उसको नहीं करनी चाहिए, अब उन्होंने भी कुछ इल्जाम जबरान डार पर लगाए हैं, अब कानून के कटघरे में। आप अगर देखिए, आप मुझे बताइए किस कि आप मुझे बोलेंगे क्या जबरान भाई आपका दिल बड़ा है, इसको माफ कर दो। बताओ कैसे माफ करूं, जबकि वो आप बोल रहा है कि ये ऐसा है वैसा है। अब आप बताइए, अब मुझे माफ करना चाहिए आप पे फैसला? आप मेरे भाई, ये बताइए भाई, मुझे माफ करना चाहिए? आप फैसला कीजिए। नहीं, कानून के हवाले से कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक बार अपने माइक का लोगो साइड में रख के, सहाफत छोड़ के, एज अ पब्लिक, एज अ ब्रदर, एज अ सपोर्टर, बताइए मुझे माफ करना चाहिए इस बंदे को? नहीं, दोनों को मौका मिलना चाहिए और कानून का सहारा वो भी ले सकता है, आप भी ले सकते हैं। फिलहाल नाजरीन मोहतरम हमारे साथ बात कर रहे थे, जबरान डार आम आदमी पार्टी के नौजवान लीडर है, मरकजी शहर श्रीनगर में बहुत काम कर रहे हैं, लोगों के साथ साथ रहते हैं और लोगों के काम मसले मसाइल उजागर करते रहते हैं। फिलहाल आज गांधरबल में जो वाकया पेश आया है, इस हवाले से तफसीलन हमने इनसे बातचीत की है, आपकी क्या राय है इस हवाले से आप भी कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे जेके न्यूज़ पॉइंट।